जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बम्बई महाराज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बम्बई महाराज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बम्बई महाराज तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बम्बई महाराज तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। साप्ताहिक पट्टी वालों को पोजीशन लेटर देने जा रहा हूँ, झुग्गी वालों को प्लॉट के कागज देने जा रहा हूँ। भाई साहब, सभी लेडीजों को जो लड़की शादी करने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म को 5 लाख रुपए का उसकी शादी का खर्चा, मतलब शादी के लिए बगैर किसी प्रकार का वापसी का वो देने की भी प्लान बना चुका हूँ। मैं जो प्लान बना चुका हूँ ना, ये हमारे प्लान की योजना में ही सारे उड़ जाएंगे। और मिलावट खोरी जो जहर खा रहा है पूरा दिल्ली, उस सभी जहर से निजात दिलाने जा रहा हूँ। 30 से 35 रुपया पेट्रोल की कीमत कम करने जा रहा हूँ, 30 से 35 रुपया गैस की कीमत कम करने जा रहा हूँ, 30 से 35 रुपया डीजल की कीमत कम करने। आदरणीय भीमराव जी ने संविधान वैसे तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं लिखा है, लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। तो वो जो लिखे हैं संविधान, उस संविधान को मूल स्वरूप में लाना, और उस संविधान को मूल स्वरूप में लाने के बाद कुछ भलाई हो जाएगी। वैसे तो भारत को भारत का शासन व्यवस्था चाहिए, भारत को भारत का संविधान चाहिए, भारत को अंग्रेजों की या गुलामी के काल की कोई भी संविधान नहीं चाहिए। जो गुलामी के काल की संविधान अभी चल रही है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट पर रोना आ रहा है। जो तीसरा स्तंभ है, जो आज तक गुलामी को अपना माँ बाप बना के बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का जी में कभी कुछ आया नहीं, जो कैसे हम अंग्रेजी में सारी व्यवस्था कर रहे हैं गुलामी की भाषा को। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ उनकी भाषा में काम नहीं होता हो, जहाँ गुलामी की भाषा में काम होता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे थर्ड जिसके पास असीमित शक्ति है, लेकिन ये सभी न्यायाधीश इस देश में गर्व गर्व के साथ अंग्रेजों की भाषा को, गुलामी की भाषा को स्वीकार कर रही के द्वारा आजादी के नाम पर गुलामी का संविधान थोप कर मजदूरों के साथ अन्याय किया है, इसलिए इस आजादी के, झूठी आजादी के खिलाफ है, इस परिवार के खिलाफ है, इस नकली कांग्रेसियों के खिलाफ है, इस देशद्रोही कांग्रेसियों के खिलाफ है। अमन गुप्ता के खिलाफ पुलिस वाले एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अमन गुप्ता के खिलाफ पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये तो सिस्टम गलत है इसलिए ले रहे हैं। अगर सिस्टम सही रहता तो एक मिनट में पकड़ के बंद कर देता, बैठा देता। पुलिस वाले ने, थाना वाले ने कहा फैसला कर लो, एक मीटिंग करा दी, दूसरी मीटिंग करा दी, लेकिन वो देने पैसा नहीं दिया, देने से मना कर दिया। कहा पुलिस वाला जो हम सिविल में पैसा के लेन देन हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको बोले भाई धरना देने दो, तो धरना देने में वो अड़चन कर रहे हैं, हमारे में धरना नहीं होगा। अब DCP से, पुलिस कमिश्नर से, गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, हम ये लोगों ने धरना देने के लिए, हम उसके कार्यालय CIC इंदरपुर में जाके धरना देंगे, उसका बाप हमारा सारा बकाया राशि दे देगा। लेकिन यहाँ ये लोग दिक्कत कर रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सरकार BJP के और अपेक्षा आप कांग्रेस से कर रहे हैं? बात ये है, मैं कांग्रेस से इसकी अपेक्षा नहीं किया धरना की, इसकी अपेक्षा दिल्ली पुलिस से किया, केंद्र सरकार से किया। आप हमारी बात को सही ढंग से समझिए, हमने कभी इस कांग्रेस को, कांग्रेस जहाँ जवाब दे है वहाँ कांग्रेस की जवाबदेही कोई रखेंगे। और वैसे अगर लेके जाइएगा तो हर चीज की बुनियाद में, भारत में जितनी भी गलत हो रहा है इसकी बुनियाद में ही 138 साल से भारत के लिए अभिशाप ये कांग्रेस पार्टी है, और ये गद्दार नेहरू खानदान। जहाँ देखिएगा, जैसे रूप में घुमा के देखिएगा, इनका ही अभिशाप भारत को खा रहा है। कहाँ कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है अभी वर्तमान में? परिवर्तन की आवश्यकता, सबसे ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है 26 जनवरी 1950 को जो आदरणीय भीमराव जी ने संविधान, वैसे तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं लिखा है, लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। तो वो जो लिखे हैं संविधान, उस संविधान को मूल स्वरूप में लाना, और उस संविधान को मूल स्वरूप में लाने के बाद कुछ भलाई हो जाएगी। वैसे तो भारत को भारत का शासन व्यवस्था चाहिए,
भारत को भारत का संविधान चाहिए, भारत को अंग्रेजों की या गुलामी के काल की कोई भी संविधान नहीं चाहिए। जो गुलामी के काल की संविधान अभी चल रही है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट पर रोना आ रहा है, जो तीसरा स्तंभ है, जो आज तक गुलामी को अपना माँ बाप बना के बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का जी में कभी कुछ आया नहीं, जो कैसे हम अंग्रेजी में सारी व्यवस्था कर रहे हैं गुलामी की भाषा को। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ उनकी भाषा में काम नहीं होता हो, जहाँ गुलामी की भाषा में काम होता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे थर्ड जिसके पास असीमित शक्ति है, लेकिन ये सभी न्यायाधीश इस देश में गणेश चौक तो मतलब गर्व के साथ अंग्रेजों की भाषा को, गुलामी की भाषा को स्वीकार कर रही। कौन अंग्रेजों की भाषा है? अंग्रेज की सारी सिस्टम है, अंग्रेजी किसकी भाषा है, शासन व्यवस्था किसकी है, अंग्रेजों की, भारत की थोड़ी है। पिछले 2014 से सरकार में है बीजेपी, अब बीजेपी को आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी को कहना ये चाहूंगा, जो काम 8-9 महीना में 1 साल में हो सकता था, उसने 10 साल 11 साल लगा दिया, नहीं कर सका। मैं भारतीय जनता पार्टी को लिख के दिया था, मोदी जी को लिख के दिया था, गृह मंत्री जी को लिख के दिया, जिस काम को आपने 8-9 महीने में नहीं किया, जो 8-9 महीने में हो सकता था मैं कर सकता था। लेकिन ये भी चमचों की पार्टी है, इनको भी चमचे चाहिए, बम बम महाराज जैसे पुरुषार्थ नहीं चाहिए, इनको भी बम बम महाराज जैसे पुरुषार्थ नहीं चाहिए। चमचों ने छलनी कर दिया। अगर बम बम महाराज जैसे पुरुषार्थ चाहिए था तो दिल्ली में केजरीवाल रहता नहीं। 2012 के बाद जब ये 39 दिन में सरकार से इस्तीफा दिया था, उसके बाद ही इसकी सरकार खत्म हो जाती। मैं सरकार दिल्ली राज्य नागरिक सरकार गठन करके जड़ समेत आम आदमी पार्टी गिरगिट केजरीवाल को गलत में डाल दिया होता। लेकिन इसने बीजेपी के कारण, खासकर अमित शाह जी के कारण, इसकी ईगो के कारण, उसने तस्तरी परस के केजरीवाल को दिल्ली के शासन 3 बार दे दिया, और ये चौथी बार यदि अटल जनशक्ति पार्टी केजरीवाल को नहीं रोका तो चौथी बार केजरीवाल ही आएगा, चाहे वो कितनों दिल्ली को लूट लिया हो, बेमानी कर लिया हो, शैतानी कर लिया हो, बर्बाद कर दिया हो। कितने बंदे खड़े कर रहे हैं? बीजेपी से उठ चुका है। मेरा भरोसा बीजेपी से उठने की बात नहीं है, बीजेपी की नीति से उठ चुका है। बीजेपी की जो दिल्ली में जिस प्रकार गतिविधि कर रहा है ना, उससे उठ चुका है। नहीं तो इतना गलत आदमी, केजरीवाल जैसे गलत आदमी, आम आदमी पार्टी जैसे गलत आदमी 3-3 बार सत्ता में आ जाएगा और चौथी बार भी आ जाएगा। अगर अटल जनशक्ति पार्टी इसको ब्रेकअप नहीं दिया तो चौथी बार वो आ जाएगा। बीजेपी चिल्लाते रहते हैं कितने कितने कैंडिडेट उतार रहे हैं, इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी नहीं आ रहा। अटल जनशक्ति पार्टी 70 के 70 सीट पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, और यदि हमारे पास साधन संपन्नता आ गई तो गारंटी दे रहा हूं जंतर मंतर के इस जगह से, जो 70 के 70 सीट भी जीतूंगा, 1 सीट नहीं हारूंगा। ताली तो बजा दे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तीनों को चुनौती दे रहा हूँ। बस फ्री कर रखा है एजुकेशन, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी नारा क्या है जानते हैं? सुंदर दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुयोग्य दिल्ली, सक्षम दिल्ली, सुदृढ़ दिल्ली। क्या बात, ये नारा है अटल जनशक्ति पार्टी का। और प्रत्येक विधानसभा में 20,000 परिवार को, मतलब दिल्ली के 70 विधानसभा में 14 लाख परिवार को प्रत्यक्ष नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर चुनाव से पहले 10-12 या 15-12 तक मैं बांटने जा रहा हूं, और इसके बाद महिलाओं को घर में रोजगार 15,000 की सैलरी देकर देने जा रहा हूं, रेहड़ी पट्टी वालों को पोजीशन लेटर देने जा रहा हूं, साप्ताहिक पट्टी वालों को पोजीशन लेटर देने जा रहा हूं, झुग्गी वालों को प्लॉट के कागज देने जा रहा हूं। भाई साहब, सभी लेडीजों को जो लड़की शादी करने वाली चाहे किसी भी जाति धर्म को 5 लाख रुपए का उसकी शादी का खर्चा, मतलब शादी के लिए बगैर किसी प्रकार का वापसी का वो देने की भी प्लान बना चुका हूँ। मैं जो प्लान बना चुका हूँ ना, ये हमारे प्लान की योजना में ही सारे उड़ जाएंगे। और मिलावटखोरी जो जहर खा रहा है पूरा दिल्ली, उस सभी जहर से निजात दिलाने जा रहा हूँ।
30 से 35 रुपया पेट्रोल की कीमत कम करने जा रहा हूँ, 30 से 35 रुपया गैस की कीमत कम करने जा रहा हूँ, 335 रुपया डीजल की कीमत कम करने जा रहा हूँ। क्या उम्मीद करते हैं भाई साहब, कौन टिकेगा? कोई नहीं मैदान, कोई नहीं है चक्कर में। आप देंगे? केजरीवाल महिलाओं के लिए बस दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा क्या दे रहे हैं? शिक्षा क्या दे रहे हैं? शिक्षा में सब स्कूलों को सुधार दिया गया, ऊंची दुकान भगवान कर दिया। केजरीवाल कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मैं केजरीवाल को चुनौती दिया हुआ दे रहा हूँ। तू कहता है शिक्षा क्रांति, कहता है शिक्षा क्रांति, आज शिक्षा क्रांति किसे कहते हैं? शिक्षा क्रांति का मतलब होता है मैं काले की शिक्षा नीति को बदल के अपनी नीति दो, तो वहाँ होता है शिक्षा क्रांति। ये कमीशन खोरी करके 11,000 विद्यालय ईंट पत्थर बना दिया, वो शिक्षा क्रांति नहीं है? उसमें तुमने लाखों करोड़ घूस खाया है, तुम्हारे विद्यालय गिर रहे हैं, मलबे झर रहे हैं, प्लास्टर टूट रहे हैं। कितनी गलतियां इन्होंने शिक्षा के नाम पर किया है। जब मैं सरकार में आऊंगा ना, ये तो अभी कुछ दिन के लिए जेल गए हैं, ये सदा सदा के लिए महाराज जी। आखिरी सवाल ये है, आपकी बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति से घबरा कर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली में आपका हाथ थामना चाहा, तो किससे गठजोड़ करेंगे? ऐसा है, मैं 34 साल से दिल्ली की राजनीति में हूँ। इस 34 साल में मुझे कांग्रेस बीजेपी सबका एक तरह से अपने पास में आने का मौका मिला। मैं मदनलाल खुराना के भी बहुत करीबी था, एचकेएल भगत के भी करीबी था, सज्जन कुमार के भी करीबी था, तारिफ सिंह के भी करीबी था, भरत सिंह के भी करीबी था, ये सभी एमपी रह चुके हैं। लेकिन मैं अपने सिद्धांत के आगे किसी के साथ समझौता नहीं किया। अकेला चलो रहे, मैं सिद्धांतवादी हूँ, रोड पर घूम रहा हूँ। 34 साल हो गया ट्रेड यूनियन लीडर रहते हुए भी रोड पर घूम रहा हूँ, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं किया। धन्यवाद। मैं एक मिनट के पूरी पूर्ण जी, मैं संघर्ष आम आदमी पार्टी साथ है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी सिद्धांत से विहीन हो चुके हैं। इनके पास शासन बना चलाने के लिए मलाई खाने की नीति है, बम बम महाराज के पास भारत को बचाने की नीति है, प्लान है, योजना है। मैं जिंदा जब तक हूँ और तब तक जिंदा रहूंगा जब तक भारत को संपूर्ण सुरक्षित नहीं कर दूं। जैसे पितामह भीष्म ने कहा था, प्राण त्यागूंगा तभी जब हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाएगा। बम बम महाराज इस धरती पर, इस जमीन पर जिंदा रहकर इसको सुरक्षित करने के लिए परमात्मा से अनुबंध लेकर आया है। जब तक इस भारत को संपूर्ण सुरक्षित नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस जमीन को भी छोड़ने वाला हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू, धन्यवाद।